हाय दोस्तों, मैं अमलेश उपाध्याय हूँ और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से खेती की जाती है और आपको थोड़ा सैर भी करा देता हूँ इसी बहाने। और ये है, ये गेंदे का फूल आता है ना, वो है ये चीज़। देखिए, ये अभी लगाया गया है, इसका बहुत छोटा पौधा आता है और उसके बाद इसकी जो घास की निराई की जाती है उसके बाद फिर ये फूल लेना चालू करता है। जो अभी ये गर्मी में निकलेगा, इसका 3 महीने का बैकअप होता है, जो कि 3 महीने के बाद इसका फूल निकलना चालू होता है। और भी है बहुत सारे खेत। अभी इस टाइम पे खेती का टाइम है और ठंड का माहौल भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, पूरा ठंड का कपड़ा मैं भी पहन के घूम रहा हूँ। और ये है कांदे का खेती, अभी जो कि फ़िलहाल में शुरू हुआ है और इसकी रुपाई की कर दी गई है और ये 3 महीने लगता है इसको भी खुदाई करने में। और जो कि बेहन डालते हैं इसका। और ये है बटाटे का खेती, हमारे इधर इस तरीके से की जाती है और दूसरे राज्यों में भी की जाती है लेकिन दूसरे तरीके से। और वो है लहसुन, गार्लिक। और देखिए, हमारे इधर ये खुदाई चालू है आलू की। और आलू हम लोग बोलते हैं, बाकी जगह पे बटाटा बोलते हैं। देखिए, देखिए इस तरीके से पहले लगा हुआ था, बटाटा इसमें बिठाते हैं, बाद में इस तरीके से निकलता है ये। इसका जो पौधा होता है वो निकाल करके फिर इसको, इसकी खुदाई की जाती है, उसमें से बटाटा निकलते रहता है। ये देखिए, इस तरीके से बटाटा, एकदम फ्रेश बटाटा निकलता है इसमें से। आगे आ जाओ, ये है गार्लिक का, हमारे इधर का इस तरीके से की जाती है। बाकी सारा आजकल सरसों की खेती की जाती है, जिसको राई बोलते हैं आप लोग। ये हमारे गांव का सीन है, एक बार आपको दिखा देते हैं फिर आपको लेके चलते हैं खेतों की तरफ, किस तरीके से खेती की जाती है। आज इसकी जानकारी आप लोग को मैं दूंगा, दिखा दो खेत। और ये है गांव का, मतलब बाहर का क्षेत्र, जिसको बगीचा बोलते हैं, यानी कि शहर में इसको गार्डन बोला जाता है लेकिन हम लोग की इधर एकदम सादा बगीचे की तरह है। जो कि ये देखिए, गोबर का, हमारे इधर ऊपरी बोलते हैं इसको और दूसरी जगह इसको कंडी बोलते हैं एक्चुअली में बाहर। और इस तरीके से यहाँ पूरा है और बच्चे खेलते भी हैं यहाँ पे। महादेव भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना, बट हम बाहर बाहर से अंदर नहीं जाएंगे और अब सुखाएंगे। ये है वीट, यानी कि गेहूँ। गेहूँ का बुआई हो चुका है, इसको लगभग 2 महीने के आसपास भी हो चुका है ये। अभी बहुत छोटा पौधा से भी बड़ा हो चुका है ये। इसके बाद लगभग मार्च में इसका, और ये है सरसों का पौधा, जिसको राई भी बोला जाता है, मस्टर्ड, जिसका ऑयल निकलता है, मस्टर्ड ऑयल। अभी ये पूरे तैयारी में है अपने, एक आध महीने के बाद इसकी कटाई चालू हो जाएगी, जो तैयार हो जाएगा। पकने के बाद इसको काटते हैं, अभी इसमें दाने पड़ना चालू हुआ है। तो ये देखिए, इसका फल है और जिस तरीके से ये फूल ले लेता है तो बहुत अच्छा लगता है। सारी तरफ पीले पीले दिखाई देते हैं, पूरा धरती पीला हो जाता है इस तरीके से लगता है, पूरा धरती पीला हो जाता है इस तरीके से लगता है ये। तो बहुत अच्छा है ये, और इस तरीके से पूरा आपको दिखाएंगे इस साइड से उस साइड तक। यहाँ अभी इसका गेहूं का और ये राई का मुख्य खेती के रूप में ले लिए हैं।